प्रभु यीशु हम सबों के लिए इतना दुख उठाए, फिर भी बहुत सारे लोग नरक जा रहे हैं, ये प्रभु का कहना है। लेकिन इसका एक ही उपाय है, प्रभु यीशु कहते हैं, वो क्या है, उसी के बारे में आज मनन करेंगे। ईश्वरीय दया के महोत्सव की तैयारी का, नवरोजी प्रार्थना का आज नौवां दिन, इसमें हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम जो संदेश प्रभु यीशु संत फौस्तीना के द्वारा हम सबों को दिए हैं, उस पर हम आज मनन करेंगे। वह है 17 फरवरी 1937, जब प्रभु यीशु संत फौस्तीना को दर्शन दिए थे। वे कहे, मेरे इतने ज्यादा दुख भोगने के बाद में भी बहुत सारे लोग नरक जा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें मुक्ति के लिए एक ही माध्यम दे रहा हूं, आखिरी मौका, वह है मेरी दया का महोत्सव। यदि वे मेरी दया का आदर सम्मान करेंगे, आराधना करेंगे, तो वे बच जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, हमें बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है, हमें ईश्वरीय दया पर हमें भरोसा करना है, हमें ईश्वर के पास जाकर हमें आत्मसमर्पण कर देना है, जैसे एक हत्यारा थाना में जाकर आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है। प्रभु यीशु के साथ जो डाकू दाएं तरफ था, वो प्रभु से यही मांग किया, हे प्रभु यीशु, जब आप अपने स्वर्ग राज्य में अपनी महिमा के साथ आएंगे, मुझे याद कीजिएगा। वह प्रभु की दया पर भरोसा किया, प्रभु पर भरोसा किया, आत्मसमर्पण कर दिया। वह कहा, मैं पापी हूं, मुझे दया की जरूरत है। क्या हम भी वो मनोभाव लेकर ईश्वर के पास जाते हैं? वास्तव में क्या हम स्वर्ग के बारे में, अनंत जीवन के बारे में विचार करते हैं कभी? बहुत कम शायद हम जब प्रार्थना में जाते हैं, ईश्वर से अनंत जीवन की मांग करते होंगे, स्वर्गीय जीवन की मांग करते होंगे। हमारी प्रार्थनाएं इस दुनियाई चीजों से जुड़ी रहती है, हमें दूसरों से बेहतर बनने के बारे में रहती है, या हम अन्य कुछ चीज के बारे में हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, वे हमें एक आखिरी अवसर हमें दे रहे हैं, वो है उनकी दया पर भरोसा करना और उनकी दया का जो महोत्सव है उसको धूमधाम से, योग रीति से मनाना, उसके लिए नवरोजी प्रार्थना करना, और हर दिन नवरोजी प्रार्थना के दिनों में 3 बजे दया की माला बिंदी करना, मेल मिलाप संस्कार या पाप स्वीकार करना, और उन्हें पवित्र यूक्रिस्त में ग्रहण करना। ये सब करने से हम वास्तव में उनकी दया को ग्रहण कर सकते हैं, ये प्रभु यीशु का कहना है। तो आइए हम उनकी मांग अपनाएं और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, जैसे संत फौस्तीना हम सबको बताई है। आइए हम इन्हीं प्रार्थनाओं को लेकर पिता के पास जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम दयावान पिता, हम तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्यारे पिताजी, हम मनुष्यों के प्रति तेरी अपार दया के लिए, प्रेम के लिए, हे परम पावन दयालु पिता, जैसे आज के संदेश के द्वारा प्रभु यीशु हमसे आह्वान करते हैं कि हम तेरी दया पर भरोसा करें, तो अपने पुत्र के द्वारा, उनके दुख भोग के द्वारा हमें बचा लिया है, हमारा उद्धार किया है। लेकिन जब हम तेरे इन कार्यों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो नया नया रास्ता अपनाते हुए हमें तुझ पर भरोसा रखने और पूर्ण शांति और आनंद जीवन पाने के लिए रास्ता हमें दिखाता रहता है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हुए तुझसे विनती करते हैं कि प्यारे पिता, हम सभी और सारी मानव जाति तेरे पुत्र की दया पर, तेरी दया पर भरोसा कर सके। प्रभु यीशु क्राइस्ट, हम इस महान वरदान के लिए, इस माध्यम के लिए धन्यवाद देते हैं, ताकि इसके द्वारा हम सभी बच जाएं। हमें कृपा दीजिए कि हम सभी योग्य रीति से तेरा महोत्सव, तेरी दया का महोत्सव मनाकर हम सभी तेरी दया, क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त कर सके।
हे परम पावन दयालु पिता, हमारी इन दीन प्रार्थनाओं के साथ साथ यहाँ उपस्थित तेरे इन सभी संतानों को, इनकी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को तेरे पावन चरणों में लाते हैं। विशेष रूप से सभी पापियों को तेरे पास लाते हैं। हम सबकी प्रार्थना सुन और हमें अपनाने की कृपा कर। एक हमारी प्यारी माँ मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु येसु की दया की माला विंदी शुरू करें। प्रारंभिक प्रार्थना। हे अति मधुर येसु, तू मर गया लेकिन पुनर्जीवित होकर आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत बन गया, और तुझसे सारी दुनिया के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन का स्रोत अथा ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और हमारे लिए अपने को अर्पित कर दे। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रेरितिक धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ, आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के
दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमरेश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमरेश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमरेश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमरेश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन अमर
परमेश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर
हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर, तू हमें अपना बना कर, तेरे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।